एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधार कर रही है, तो वहीं मुरादाबाद शिक्षा विभाग की इससे पीछे नहीं है। यहां जिले में बेसिक शिक्षा विभाग बेसिक स्कूलों में छात्र नामांकन बढ़ाने और सरकारी स्कूलों के प्रति जनता की रुचि बढ़ाने के लिए चल रहे विशेष अभियान घंटी बजाओ प्रवेश कराओ कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के लिए बकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसके लिए स्कूली टीचर्स को ट्रेन किया गया है। बता दें कि साथ ही पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पंपलेट में 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लोग उस पर कॉल कर जानकारी ले रहे हैं, जिससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत बीती 18 मई को की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भी अब आने शुरू हो गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह ने बताया कि अभियान जिलाधिकारी और सीडीओ के निर्देशन में शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में चल रहे स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें काफी बड़ी संख्या में आमजन ने हिस्सा लिया। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जनपद मुरादाबाद की एक नई पहल है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी के महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया था। इसका मूल उद्देश्य था कि हमारा जो स्कूल चलो अभियान चल रहा है, उसमें हम लोगों ने बच्चों के नामांकन करा रहे हैं हम लोग। लेकिन कुछ गार्जियंस हमारे ऐसे थे, जैसे मान लिया वो घर से बाहर थे या किसी भी कारणवश से वो अपने बच्चों का नामांकन अभी तक नहीं करा पाए थे। तो इस ग्रीष्मावकाश में हमारे चूँकि विद्यालय बंद हो गए थे, ऐसे में उनका विद्यालय से संपर्क या अध्यापक से संपर्क कराना थोड़ा सा दूर काम था। तो इसलिए उनको एक सुविधा देने के लिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया था। इसमें हमको जिला स्तर पर हम लोगों ने 2 नंबर रखे हुए थे और प्रत्येक विकास क्षेत्र स्तर पर भी एक एक नंबर रखा हुआ था, और एक कंट्रोल रूम इसका बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने रोस्टर वाइज ड्यूटी लगाई हुई है। जो अभिभावक जो बच्चे एडमिशन चाहते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है आधार कार्ड से संबंधित या जो, तो उसके संबंध में ये हमारे पास जो है कॉल आ रही है, और हम का जो है प्रयास ये करते हैं कि उनका निस्तारण जो है हम हाथों हाथ या कुछ समय बाद 1-2 दिन बाद उनका निस्तारण करा दिया जाए।